नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो इंडियन सोशल वॉइस न्यूज और आपके साथ में भरत वानी का खबर। रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, हाल ही में रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली राजस्थान सरकार के बजट में। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत द्वारा रानीवाड़ा तहसील को नगर पालिका का दर्जा दिया गया, नगर पालिका बनेगी। नगर पालिका बनने के बाद भी, हालांकि कई वर्षों से चलता आ रहा है, आप सबको ज्ञात होगा कि जो सासोर फाटक है और सासोर फाटक से लेकर एसबीआई बैंक तक हमेशा अनावश्यक पानी बहता रहता है और कई वर्षों से बहता आ रहा है, जिससे आमजन परेशान होते, अपने काम के लिए बाजार में आते हैं, राहगीर परेशान होते हैं, वाहन चालक परेशान रहते हैं, दुकानदार परेशान रहते हैं। इसमें भी युवाओं द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया कि इस पानी की निकासी के लिए उच्ची व्यवस्था किया जाओ। प्रशासन मौन है, समझ में नहीं आ रहा है लोकल नेता क्या कर रहे हैं, जो विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, पंचायत समिति का नेतृत्व कर रहे हैं, अभी नगर पालिका हुई, जो नगर के जो सेवक है वो भी क्या कर रहे हैं। साथियों, रानीवाड़ा जो सचोर फाटक है और एसबीआई बैंक तक, ये हमेशा गंदगी रहती है। और अभी आपको सबको ज्ञात है कि एक दो दिन में बेमौसम बारिश हुई, कम बारिश भी हुई है, उसमें भी आप देख सकते हो कि किस तरह से सड़क के दोनों साइड पानी भर गया और दुकान की सीढ़ियों तक पानी चढ़ गया। लोग दुकान के आगे जो सीढ़ी बन रही वहां से चल रहे हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है नेतागणों के लिए, शासन प्रशासन के लिए, कि इस पानी, अभी तो जो बेमौसम बारिश है, अभी बारिश जस्ट 2 माह के बाद सीजन है, तो उस टाइम तो ज्यादा बारिश होगी, तभी किस तरह के हालत बन सकते हैं। नगर पालिका होने से कुछ नहीं होता, अपने क्षेत्र में यदि नेता जो आमजन की समस्या को सुनने वाला हो, क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान देने वाला हो, और हमेशा ये मुद्दे जनता उठाने से पहले नेता इनका सॉल्यूशन करना जरूरी होता है नेताओं द्वारा, पर नेता हमेशा मौन रहते हैं। और ये मेन बाजार की समस्या, मुख्य बाजार की समस्या, अब नगर पालिका रानीवाड़ा होगी तो इसकी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। जस्ट 2 माह के बाद ज्यादा बारिश भी होगी, बारिश का सीजन होगा, उस टाइम ये क्या हालत होंगी। नगर पालिका में ये व्यवस्था होनी जरूरी है, सफाई की व्यवस्था हो, नाले का निर्माण हो, ये मुख्य तौर पर होता है। तो ये शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस समस्या को गंभीरता से लें, इसका सॉल्यूशन कराएं, आमजन बहुत परेशान होते हैं। अब जस्ट 8 माह के बाद में सुनावे विधानसभा के, तो कई तरह की घोषणाएं होगी, पर इन मुद्दों पर नेताओं का ध्यान नहीं जाता है, आमजन की समस्याओं पर, और मेन बाजार की ये समस्या है। और इस तरह से कीचड़ होगा, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, छोटे वाहन दो पहिया वाहन फिसल भी सकते हैं, तो जन हानि से बचा सकता है। साथियों, ये मेरी आवाज कैसी लगी आप, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जागरूक नागरिक के तौर पर बताएं कि इस व्यवस्था नहीं होने के पीछे किसका हाथ है। क्षेत्र के नेतागण, जो विधायक महोदय हैं, प्रधान साहब हैं, क्या यहाँ के जो रानीवाड़ा मुख्य के जो नगर पालिका के हैं प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी कमी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एक जागरूक नागरिक के तौर पर। और मेरी आवाज को मजबूत बनाने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।